हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा जी के चैनल में। और दोस्तों देखिए, अभी तो हम दोस्तों घर पे आए हैं और सुबह मनीषा जी को नाश्ता पानी और खाना खिला के घर पे आए, तो हम दोस्तों यहाँ पे नहाए खाए हैं और अब चलेंगे फिर से। मम्मी को भी लेके चलना है दोस्तों। और बता दें दोस्तों कि आज 4 दिन हो गया है मनीषा जी को जो है कि बाबू दोस्तों सोमवार को ही हुआ था, जिस दिन नागपंचमी था, और आज दोस्तों 4था दिन है। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि सभी लोग स्वस्थ हैं, बाबू भी ठीक है और मनीषा जी भी स्वस्थ हैं। अब तो वो थोड़ा बहुत चलने लगी हैं, बेल्ट लग गया है उनको, चलने लगी हैं, टहलने लगी हैं थोड़ा बहुत दोस्तों सुबह शाम, और ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों अभी संडे तक उनको छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल दोस्तों यहाँ राजा तालाब में है, हमारे घर से 14-15 किलोमीटर दूर है, राजा तालाब में है। और मनीषा जी के घर से भी दोस्तों करीब करीब 20 किलोमीटर के आसपास है भदोही। वह असल में दोस्तों मनीषा जी के रिलेटिव में कोई था दोस्तों राजा तालाब में, तो वही वो दिखा रही थी उधर से, तो वहीं पर डिलीवरी कराया गया है। और बता दें दोस्तों कि मनीषा जी की डिलीवरी सीजर से हुई है, नॉर्मल नहीं हो पाई। हम लोग तो दोस्तों वेट कर रहे थे कि नॉर्मल हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इनका डेट दोस्तों 14-15 अगस्त को ही था। और आप लोग को पता ही है कि मनीषा जी का बर्थडे भी 15 अगस्त को है, तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि बाबू का भी बर्थडे 15 अगस्त को ही हो जाए, दोनों लोग का एक ही दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। हम गए थे आखिरी डेट पे, तो हम फिर से अल्ट्रासाउंड कराए थे, तो 1 हफ्ते का दोस्तों समय मिल गया था और कंडीशन सब कुछ ठीक था, बढ़िया था। तो ये जो उम्मीद लगाए जा रहे थे दोस्तों कि हो सकता है कि नॉर्मल होने का चांस हो जाए 2-4 दिन में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया और डिले होने लगा। तो फिर हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि नहीं, अब सीजर से ही करा लिया जाए ताकि टाइम से सब कुछ ठीक रहे, और भगवान की दया से और आप लोग के आशीर्वाद से दोस्तों सब कुछ अच्छा हुआ और आराम से दोस्तों हो गया। दोनों लोग स्वस्थ हैं बढ़िया से, बाबू भी बढ़िया है। तो अभी दोस्तों हम मम्मी को लेके चलते हैं हॉस्पिटल। आज मम्मी भी चलेंगी, कल भी गई थी परसों, आज पुकार रही थी कि हम चलेंगे तो बाबू को खिलाए लाएंगे उनको। तो और बता दें दोस्तों कि आज शायद गुड़िया और विकास जीजा भी आने वाले हैं, मित्या, आर्य, ये सब आने वाले हैं आज दोपहर में 2-2.5 बजे, तो हम लोग दोस्तों पहुँचते हैं। तो और हॉस्पिटल चलेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको मिलाएँगे बाबू से और मनीषा जी से भी मिलाएँगे, ठीक है? तब तक दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो पर। और वीडियो तो दोस्तों अब नहीं आएगा जल्दी जल्दी, वीडियो किचन का वीडियो तो नहीं आ पाएगा जब तक मनीषा जी 2-3 महीने तक अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक वीडियो हम नहीं बनाएंगे। मनीषा जी ने पहले ही 1 महीने पहले किचन का कई सारा वीडियो शूट करके रखा हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि वही वीडियो अपलोड कर दूँ, किचन का रेसिपी बनाई हुई है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, वीडियो बना हुआ है 4-6 वीडियो पहले से, तो धीरे धीरे मैं उसी वीडियो को डालूँगा बाकी। और ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मनीषा जी के और हम लोग के फैमिली के, तो बने रहिए दोस्तों, और आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं हॉस्पिटल। हेलो बाबू, क्या हो रहा है? बाबू देखिए, बाबू जाग रहा है, अभी खेल रहा है, दूध दूध पी लिया है। बाबू क्या हो रहा है? भूख लगा है बाबू को? मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा कहाँ है आपकी? हाँ, उधर हैं। ओ, इधर मनीषा जी हैं। बाबू जाग रहा है, खेल रहा है। देखिए। क्या हो रहा है बाबू? क्या कर रहे हो? ये भूखी लगी है बाबू को? लगी है भूखी? ये तो देखिए दोस्तों कौन आई हैं, गुड़िया दीदी आई हैं। भाभी से मिले आए हैं और बाबू से, तो बाबू बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है बाबू को देखकर। और भाभी जी थोड़ा भी आराम कर रही है ऐसे, थोड़ा 1 हफ्ते बाद ही छुट्टी होगा, उसके बाद घर पे अच्छे से बात करेंगे। बाबू तो आप लोग से मिला नहीं, सोया है ना? ये देखिए मित्या जी हैं। ओए बाबू, ये देखिए कितना छोटा सा, इसका देखिए हाथ है। मुन्नू से देखो बाबू, इसका हाथ है ना, उठ भी नहीं रहा है। देखो
देखो यार, आ जाओ आ जाओ, बाबू को खिला लीजिए। और ये जीजा जी, आइए आइए, बाबू खिला लीजिए। चलिए इधर इधर से आइए, चलिए। ये देखिए, ये सो रहे हैं और सब कोई जो कि देख रहा है। देखिए देखिए, अभी सो गया। इसके पहले आप लोग के आने से पहले जाग रहा था, फिर अभी सो गया जो कि। आप लोग को आए 2 घंटा हो गया, लेकिन ये अभी सो ही रहे हैं। उसी समय दूध उठ दिया, फिर सो गया। हमारे लोग भी बहुत शौक रहे थे बाबू को देखने के लिए, तो जो कि दोनों बच्चों को बहुत प्यारा बाबू लगा। और बाबू जो कि सो ही रहा है अभी, किसी से हेलो हाय कुछ नहीं किया अभी। अभी रिलेटिव ही है ये रही, और अभी इनको बहुत ज़्यादा आराम की जरूरत है। जेडियन से बच्चा होता फिर जानते हैं कि काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और अभी हम लोग सब नाश्ता पानी किए, उसके बाद फिर निकलेंगे घर, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। Thank you.